हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग करेंगे पेज नंबर 25 पे दी गई एक्सरसाइज नंबर 2D। हम लोगों ने फ्रैक्शंस का एडिशन सीख लिया है, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, कि फ्रैक्शन में कैसे मल्टीप्लाई करा जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका पार्ट 1 जो है इसको क्या 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 2 by 3 by 6 by 16 बाय क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 by 3 into 6 by 16। अब कोई कट रहा है ऊपर नीचे तो काट उसको, मतलब काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं। तो क्या हो रहा है, 2 8 16 होता है, 2 3 6 और 2 4 8 होता है, और 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 by 4। ठीक है, इसी तरह से हम लोग करेंगे कौन सा पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या है, 3 by 14 by -7/9। इसमें आप देखें तो किसी से डिवाइड हो रहा है, 7 की टेबल में 14 आता है नहीं आता है, 7 2 से 14, 3 की टेबल 9 आता है नहीं आता, 3 3 9। तो ऊपर क्या, ऊपर तो -1 आएगा क्योंकि -9 तो रहेगा ना, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 3 6, तो आंसर क्या आ जाएगा, -1/6। अब इसका हम लोग करेंगे कौन सा पॉइंट, इसे करेंगे 8th वाला, इसे करेंगे हम लोग 7th वाला, 5th 6 7। -16 by 5/24 यानी कि -16 multiply 5/24। अब हम लोग को किसका टेबल आता है नहीं आता है, हम लोग को 8 का टेबल आता है, 8 का आता है नहीं आता है, 8 1 8 8 2 16 8 2 16 8 3 24, 2 5 कितना होता है, अब ये तो मल्टीप्लाई करेंगे ना सामने वाला स्टेट वाला, तो -10/3, 2 5 10 होता है ना, 2 into 5 तो क्या आ जाएगा, 10/3। अब इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट वाला पार्ट है, -49 into 15/-21, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और ऊपर नीचे वाला क्या होता है, डिवाइड होता है, तो माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को किसका टेबल आता है, 7 का आता है नहीं आता है, 7 7 7 7 2 21 7 4 28 7 5 35 7 6 42 7 7 49, 3 5 15, तो आंसर कितना बचा, 35। अब हम लोग करेंगे इसमें कौन सा, तो हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, पार्ट 5। इसमें क्या है, -30/17 × 0, 0 से कुछ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा, 0। इसका हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 6 7 8 5 6 7 8, -19/2 × 16/76, आप लोगों में किसको 19 का टेबल आता है, 19 1 19 19 2 38, और 19 4 कितना होता है, 19 3 कितना हो जाएगा, 57, और 19 4 76। ठीक है, और 4 4 16, और 2 2 4, तो क्या बचा, -2। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 2F का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हम लोग क्या करना सीखेंगे, डिवीजन। हम लोगों ने एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सीख लिया है, तो हम लोग क्या सीखेंगे, डिवीजन।
थ्री अपॉन सेवन डिवाइडेड बाय टू अपॉन फोर्टीन, डिवीजन में क्या होता है कि डिवीजन में देखिए इसको ऐसे करेंगे ना, थ्री अपॉन सेवन डिवाइडेड बाय टू अपॉन फोर्टीन, जब इसको ऊपर लाएंगे तो रिवर्स हो जाएगा ना, ऊपर लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, सेवन टू द फोर्टीन, टू टू कैंसिल और थ्री विल बी द आंसर। इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, पार्ट नंबर सिक्स, पार्ट नंबर सेवन, माइनस थ्री अपॉन फोर बाय डिवाइड बाय माइनस सिक्स, ठीक है। तो माइनस थ्री इंटू वन अपॉन माइनस सिक्स अपॉन फोर, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और थ्री टू द सिक्स, तो वन अपॉन एट इज द आंसर। तो इसके बच्चे का क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिएगा, अगर ना हो पाए तो ठीक है। ओके, थैंक यू।